बॉलीवुड के संजू बाबा यानी एक्टर संजय दत्त का जन्मदिन 29 जुलाई को है। संजय दत्त की प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल जिंदगी ज्यादा चर्चों में रही है। उनकी गर्लफ्रेंड से लेकर ड्रग्स की लत तक पूरी कहानी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म संजू में दिखाई गई है। हालांकि फिल्म में उनके हीरोइनों से अफेयर नहीं दिखाए गए हैं, तो जाने किन मशहूर एक्टर्स के साथ रहा संजय दत्त का अफेयर। माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड की धकधक गर्ल माधुरी दीक्षित से संजय दत्त का अफेयर रहा है। साल 1991 में आई फिल्म साजन माधुरी और संजय दत्त को करीब लाने में सबसे अहम साबित हुई। इसी फिल्म से दोनों के अफेयर की खबरें आने लगी थी। आलम तो ये था कि फिल्म साजन के प्रीमियम में जब संजय दत्त और माधुरी दीक्षित स्टेज पर आए थे तो लोग जोर जोर से शोर मचाने लगे। संजय माधुरी अखबारों की सुर्खियां बन गई। चर्चा तो यह भी थी कि दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली है, लेकिन दोनों ने इस बारे में कभी बात नहीं की। टीना मुनीम। संजय दत्त से टीना मुनीम की पहली मुलाकात उनकी डेब्यू फिल्म रॉकी से हुई थी। दोनों एक दूसरे को बेपनाह प्यार करने लगे थे। टीना ने संजय से इस कारण किनारा कर लिया था क्योंकि संजय को ड्रग्स और शराब की बुरी लत लग चुकी थी और वह इस आदत को छोड़ नहीं पा रहे थे। इसके बाद टीना ने संजय का साथ हमेशा के लिए छोड़ दिया और बिजनेसमैन अनिल अंबानी से शादी कर ली। लीजा रे। संजय दत्त का दिल लीजा रे पर भी आया। कहा जाता है कि जब संजय की निजी और प्रोफेशनल जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव थे, उस वक्त संजय लीजा रे के काफी करीब आ गए थे। हालांकि इन दोनों का प्यार ज्यादा दिन नहीं टिक सका और यह दोनों एक दूसरे से जल्द अलग हो गए। रेखा। कहा जाता है कि संजय दत्त का अफेयर बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा से भी रहा। रेखा संजय से उम्र में काफी बड़ी थी, लेकिन संजू बाबा ने इसकी बिल्कुल परवाह नहीं की। हालांकि इन दोनों के बारे में यह भी कहा गया कि चुपके से शादी भी कर ली थी, लेकिन यासर उस्मान की बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में इस बात से इनकार किया गया है। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हर अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।